कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। नहीं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। अच्छा। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ? सर जी, आपने खुद ही कहा था कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ऐसे तो नहीं होता है। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। अच्छा नहीं, वो अच्छा लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। देखो, शापित किया और इस बार उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, मगर क्यों? तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जुजुत्सु जादूगर की 80% शक्तियाँ उसमें पहले से ही मौजूद होती हैं। कहीं ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो। ये तो आदत होती है यार। रुक जा, रुक जा। तो मुझे खुद की स्पिरिट गन बना लेते जैसे बंक का यार। आते ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी खूबियों को और बेहतर बनाना है। मैं तुम्हें अपने स्टाइल में शापित शक्ति इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मजा आया। माहिर होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, पता है? और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। थैंक यू। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ। नहीं, तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? अच्छा, इसीलिए फिशी गुरु हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स। नहीं, ऐसा नहीं। ये शापित गुंडा इसी तरह उठकर तुम पर तब तक हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए।